जय हिंद आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मा सीरीज में आज हम पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे और बताएंगे बीपीएससी पी ड्रोगा एंड अदर कंपटीशन में कितना मार्क का पूछा जाता है पाचन तंत्र समझने से पहले आप ब्रह्मा सीरीज का प्लान समझिए इस सीरीज के माध्यम से आपको हम तीन वीडियो पर डे प्रोवाइड करवाते हैं पहला वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं वो गाइड वीडियो गाइड वीडियो में क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का एनालिसिस करके बताते हैं और ये साइंटिफिक तरीका है यदि आपको पास करना है तो आपको क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का पूरा पूरा एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये सटीक जानकारी क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का एनालिसिस करके ही मिलता है सेकेंड वीडियो जो आपको देते है, वो हैं वो टेस्ट वीडियो टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करवाने की वजह से आपको ये छोटे छोटे गलती जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं वो हर कमी को ये वीडियो क्या करेगा पूरा कर देगा लास्ट में एक्सप्लानशन वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं जो भी आप टेस्ट दिए हैं और उसमें यदि आपका टेस्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है तो आप एक्सप्लानेशन वीडियो देखिए क्योंकि एक्सप्लानशन वीडियो में टेस्ट वीडियो का पूरा एनालिसिस करके साथ ही इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरा एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है एक्सप्लेन करके बताना मतलब हर चीज़ को डिटेल से बताते हैं तो आप तीनों वीडियो जरूर देखिए आप तीनों वीडियो देखते हैं तो आप बहुत कम टाइम में ये चार महीना का बी का टारगेट क्लास है जिससे कि आप बहुत आसान तरीका से बी पी दरोगा या जो भी कंपिटिशन का तैयारी करते हैं फेस कर पाएंगे तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक पाचन तंत्र पाचन तंत्र में क्या करते हैं सबसे पहले हम जो कोई भी चीज़ खाना खाते हैं खाने के रूप में पाचन का मतलब क्या होता है कि खाना को पचाना जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको पचाना तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है मुख गुआ मुँह से मुँह में जब हम खाना खाए तो खाना खाने के बाद मुँह में लिए मुँह में क्या करते हैं खाना को चबाते हैं किससे डांट से अब डांट से अब आया तो डांट में कितना डांट होते हैं तो डांट कितना होते हैं तो टोटल बत्तीस होते हैं तो सोलह ऊपर और सोलह नीचे अन्न को चलाने के लिए अन्न भी तो चलता है तो अन्न चलाने के लिए जीव क्या करते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं तो अब जीव अब जीव का अब जीव देख लीजिए तो जीव में क्या होता है जीव में स्वाद कलिका होते हैं जिससे आपको तीखा मीठा कड़वा इस सब का स्वाद पता चलता है अब तो जीव के कौन से भाग में कौन सी कलिका पाए जाते हैं इसके बारे में देख लीजिए फिर इसके बाद लार भी तो जीव मुंह में निकलता है तो जो भी लार निकलता है तो लार ग्रंथि है इसीलिए तो लार निकल रहा है तो अब कौन कौन से लार निकलते हैं उसके नेम तो आप मुख वाला बार समझ लिए जब भोजन मुख से नीचे उतरेगा मतलब यहाँ से नीचे उतरेगा तो कहाँ जाएगा यहाँ ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है ग्रास नली एक पाइप की तरह होता है आप मार्केट में भी पाइप देखे होंगे डमकल में लगाने वाला वैसे ही होता है और वो भी ऐसे 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 होता है थोड़ा सा हुआ रहता है जिससे कि उसी उस ग्रास नली में क्या होता है अन्न को नीचे जाने के लिए कर्माणु कुंचल होते रहता है मतलब डबटे रहता है अलगते रहता डबटे रहता अलगते रहता है जिससे कि कि आपकी खाना सहूलियत से नीचे उसका उसमें कुछ भी नहीं ऐसा लगा रहता है सिर्फ उसमें खाना जाने का एक रास्ता होता है माध्यम होता है बाएँ साइड में आपका यह हट बाया हो ना मेरा यह हट बाया हुआ तो बाया साइड में क्या होता है अमाशय होता है अमाशय अमाशय में क्या होता है खाना में आप यदि खाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खाना बिसेला भी हो सकता है तो उसमें क्या होता है अम्ल होता है जिसमें अम्ल मिलने की वजह से जितना भी बिसेला पदार्थ होता है वो मर जाते हैं मर इसके साथ ही यह खाना का डाइजेशन हो रहा मतलब पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है अमाशे से पाचन शुरू होता है और यहाँ खाना लगभग चार घंटा रुकता है खाना रुकेगा तो ऐसे थोड़ी आगे खाना यहाँ ऐसे ही पच जाएंगे यहाँ भी कुछ कुछ लार ग्रंथि होंगे यहाँ भी कुछ एंजाइम निकलेंगे यहाँ तो निकलते हैं तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और क्या क्या चीज़ पच पच्च, पचता है क्योंकि अन्य में तो बहुत चीज़ होता है प्रोटीन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है वसा होता है खनिज लवण होता है विटामिन होता है तो ये सब चीज़ होता है तो इस सबको कहाँ कहाँ क्या क्या पचाता है और कौन कौन से रस निकलते हैं उसका नेम आप याद कीजिए क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है थोड़ा याद करने में आपको तकलीफ़ होगा ऐसा नहीं याद करने में दिक्कत नहीं होगा होगा लेकिन आप क्या कीजिए उसको बार बार पढ़िए जिससे कि आपको याद हो जाए कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि पढ़ा जोश जुनून से ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं होता है फिर यहाँ से खाना क्या होगा फिर खाना नीचे उतरेगा अब खाना नीचे उतर के कहाँ जाएगा पेट के छोटी आंट में छोटी आठ में जाएगा छोटी आँट क्या होता है सबसे लंबी आटे होता है एक पाइप की तरह इसे पतली पाइप की तरह तो छोटी आंत में जाएगा खाना और छोटी आंत में क्या होता तो है पाचन जो मेन रूप से होता है वो छोटी आंत में ही होता है खाना का खाना का मेन पाचन कहाँ होता है छोटी आंत में छोटी आंत में ट्रा का एंजाइम निकलते हैं और खाना में से जितने भी चीज़ होता है चाहे प्रोटीन हो विटामिन हो बसा हो हर चीज़ को क्या कहते है? हैं सूखते हैं निकाल के बॉडी के हर भाग में पहुंचाने का काम फिर पहुंचाने का अलग अलग पार्ट का होता है काम लेकिन पहुंचाता है तो अब कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं कौन कौन से रस निकलते हैं फिर वो जब वहाँ छोटी आँट में खाना संपन्न हो जाता है तो फिर छोटी आँट से कौन से आँच में चल जाता है बड़ी आट में बड़ी आठ में किस चीज़ का होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें जो होता है खनिज लवन और पानी का अवशोषण होता है बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है वो मलद्वार के बाहर निकल जाते हैं जब उत्सर्जन चैप्टर बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि मलद्वार सब क्या होता है तो ये तो आप गए बड़ी आठ अब इसके साथ ही और भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि अग्नाशय वो भी क्या होता है जब अम, शरीर जिससे जो होता है जब जब अमाशय से निकलना प्रारंभ होता है तो उसी टाइम में अग्नाशय अग्नाशय से कुछ रस निकलता है फिर होता है यकृत जिसे आप लीवर बोलते हैं हम लोग लीवर बोलते हैं लीवर यहाँ से भी कुछ रस निकलते हैं इसके बाद होता है पीठ का थैली वहाँ से फिर रस निकलते हैं तो उन सब में कौन कौन से रस निकलते हैं उसी सब में कुछ जठर ग्रंथी भी है तो वो जो कौन कौन से जठर ग्रंथी से कौन कौन से रस निकलते हैं उस रस का नाम या आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं सबसे पूछता है आपको साइंटिफिक मतलब क्या बोलेगा अमाशा से कौन से रस निकलता है अमाशा से कुछ रस निकलेगा उसका तो नाम कुछ बोल देगा तो प्रोट अमाशा का जो प्रो अमाश्य में प्रोटीन का जो पाचन होता है वहाँ कौन से रस निकलता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है तो मतलब कहीं ना रह सर उसे क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से फिर अमाशय का साइज क्या है छोटी आंट का साइज क्या है बड़ी आंट का साइज क्या है इस टॉपिक से यहीं से क्या करता है क्वेश्चन पूछता है और एक मार्क फिक्स है यहाँ से एक मार्क फिक्स क्वेश्चन पूछता है तो पाचन तंत्र आप समझ गए कि आपको पाचन तंत्र में क्या सब पढ़ना है ये भी समझ गए कि बीपीएससी पी एंड अदर कंपटीशन में अदर कंपटीशन में कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है लेकिन बीपीएससी में यहाँ से एक मार्क क्वेश्चन पूछता ही है तो आप क्या कीजिए इसको सही से पढ़िए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप, आप पीछे छूटते जाएगा और भूलते जाएंगे क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि एक दिन पढ़ा और परमानेंट याद रहेगा ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता हर इंसान भूलते हैं चाहे हम हैं या आप हैं सब भूलते हैं हम यदि आपको कुछ बता रहे हैं तो हमको भी पढ़ के आना पड़ता है आप यदि कुछ किसी को बताते हैं तो इसका मतलब वो टॉपिक आप पढ़े हैं ढंग से तो इसीलिए पढ़ाई को रेगुलरली रखिए और संडे को जो हम आपको वीडियो नहीं देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप संडे को नहीं पढ़िए संडे को आप रिवाइज करने के लिए कि आप एक सप्ताह में क्या सब पढ़े हैं उसका रिवाइज करते रहिए कल जो संडे था उस संडे में आपको बताया हम पहले ही कह दिए थे कि आपको जीवधारियों का वर्गीकरण उसके शाखा उपशाखा इसके बारे में क्या करेंगे टेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप टेस्ट दे सकें और ये यहाँ से एक मार्क क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कीजिए उसको सही से टेस्ट दीजिए और उसका जो भी साइंटिफिक नेम है उसको याद कीजिए जैसे कि आपको एक मार्क मिल सके तो आप क्या कीजिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद